आर्थिक बोझ पीड़ित बिहार के जनता को न्याय दिलाने हेतु 1 अक्टूबर 2024 को आयुक्त धरना को सफल बनाने के योगदान में आप तमाम साथी उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को दोहरी नीति अपना करके गरीबों के जो अक्टूबर 2024 को स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक दिवसीय महाधरना का संबंध में ज्ञातव हो कि बिहार सरकार ने 2019 गांव में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो लगातार जारी है। पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर से बढ़ा हुआ बिल उपभोक्ताओं के पास आ रहा है। इस प्रक्रिया में कर्मस्थ अडानी एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और नागा अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूली की जा रही है। आते हैं तो बताता है कि 300 रुपया माइनस पर 500 गया, 300 हम पर कर्जा उसका हो गया, फिर 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, 300 तो पहले कट गया, दूराते प्राप्त रहते हैं, फिर दूसरे बार जाते हैं तो उस बार में लिखवाते हैं तो 200 माइनस। किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आप गौर फरमाइए कि हम 2 रात रहते हैं 1 रात रहते हैं तो 500 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो 300 माइनस में चले जाते हैं, वो 500 गया, 300 आपके ऊपर माइनस रह गया, पुनः रिचार्ज करवाएंगे तो 300 पहले काट लेगा, इसलिए 300 से काटता है। जितनी विभाग का स्टाफ आकर के आपके पोल के सामने जहाँ से आपके घर में लाइन गया है उस पोल पर चढ़ा, बिजली ऑफिस में वही कंप्यूटर से आपका लाइन कट गया। अब सब रिचार्ज भी नहीं करा पाएंगे, तो अनपढ़ अशिक्षित आदमी है उस आदमी को रिचार्ज भी किसी पढ़ा लिखला का आदमी जो मोबाइल का आज का नौजवान ज्यादा जानता है उसके पास जाना होगा क्या थोड़ा